वेलकम फ्रेंड्स, लेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 5 जून को हमने क्या ट्रेड किया और क्या हमारा उसमें प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, वो सब अभी हम देखेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हो तो यह आई बटन में मैंने मई मंथ का जो भी हमारा PNL है वो शो किया है और उसका मैंने बताया है कि हमारा मई मंथ कैसा गया, प्रॉफिटेबल गया या फिर लॉस में गया। तो उस वीडियो की लिंक यहाँ पर मैं आई बटन में दे दूँगा, तो वो भी आप वीडियो यहाँ पर देख सकते हो। वो भी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट मैंने कुछ पॉइंट्स बताए और वो भी आप देख सकते हो, और मेरा हमारा इस पूरे मंथ का मई मंथ का PNL आप वहां पे देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं हमने आज क्या ट्रेड किया है। और सबसे पहले आप यहां पे मार्केट देख सकते हो, यहां पे थोड़ा गैप अप ओपनिंग हुई थी मार्केट में आज मंडे को, और जैसे ही फर्स्ट कैंडल ओपन हुई थोड़ी ऊपर जाके यहाँ पे फिर से रेड में क्लोज कर दी, और उसके बाद 2-3 कैंडल यहाँ पे डाउन आ गए। और ये यहाँ पे एक नीचे आप यहाँ पे सपोर्ट देख सकते हो, ये हमने पिछले दिन और उसके पिछले दिन का यहाँ पे हाई मार्क करके रखा था, और जैसे ही मार्केट उसके ऊपर ओपन होके यहाँ पे नीचे आया और यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट किया और यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके ऊपर चलता चला गया। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जब यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा था तो आप जाके यहाँ पे 18,600 या फिर 18,650 का कुछ तो हमने कॉल लिया है, वो अभी आपको इसमें दिखेगा, जो मैं आपको ऑर्डर बुक दिखाऊंगा वहाँ पे दिखेगा। उस कॉल को जाके देखना, यहाँ पे मार्केट तो यहाँ पे कंटिन्यू ऊपर 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 चल रहा था, लेकिन वो जो प्रीमियम है वो ऊपर नहीं जा रहा था, वो यहाँ पे सिर्फ साइडवेज ही चल रहा था। ये 68 रुपीज़, 66 रुपीज़ यहाँ और 65 रुपीज़ इसके आसपास ही चल रहा था, बल्कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा अप जा रहा था। तो अगर आप किसी को पता होगा कि ऐसा क्यों कर रहा था, जबकि मार्केट ऊपर जा रहा था लेकिन प्रीमियम यहाँ पे कुछ नहीं कंसोलिडेट कर रहा था, तो उसका रीज़न किसी को पता होगा तो यहाँ पे प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके आप बता देना कि क्यों ऐसा हो रहा था आज मार्केट में। तो चलिए देखते हैं, यम स्टॉक ओपन करते हैं और हम देखते हैं कि आज हमने क्या ट्रेड किया है। सबसे पहले यहाँ पे हम यम स्टॉक ओपन कर लेते हैं और मैं उसके बाद आप लोगों को पोजिशंस और जो मेरे ऑर्डर बुक है वो दोनों आप लोगों को शो करूँगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऑर्डर्स में क्लिक करते हैं और यहाँ पे देख सकते हो आप एग्जीक्यूटेड में 6 क्वांटिटी टोटल यहाँ पे हमने एग्जीक्यूट की है, यहाँ पे देख सकते हो। इसका मतलब है हमने यहाँ पे टोटल 3 ट्रेड्स यहाँ पे ले ली है। तो चले देखते हैं सबसे पहले हमने क्या ट्रेड किया था। तो यहाँ पे देख सकते हो 9:36 को यहाँ पे हमने 18,650 का कॉल यहाँ पे हमने बाय किया था 62 रुपीज़ के प्राइस पे, और यहाँ पे 66 रुपीज़ पे सेल कर दिया, मतलब यहाँ पे हमें 195 के आसपास का प्रॉफिट हो गया था। लेकिन यहाँ पे मैं डे क्लोज करना ऐसा मैंने कर दिया था, मतलब डे क्लोज ऐसा करके मैंने पकड़ लिया था, लेकिन यहाँ पे फिर से एक ट्रेड मेरे को सेटअप दिखा और फिर से एक ट्रेड मारा, तो उसमें यहाँ पे जो कमाया था वो सब चला गया और उसके बाद रिवेंज में नहीं आना। और वैसे ही फिर से एक बार जब हमारा सेटअप बन गया तो यहाँ पे फिर से मैंने एक ट्रेड ली 63 रुपीज़ टू 67, उसी स्ट्राइक प्राइस में यहाँ पे हमने ट्रेड किया है तीनों के तीनों। यहाँ पे आप देख सकते हो 18,650 ये कॉल आप जाके देखना जब हमने ये ट्रेड की है, तो ये टाइमिंग देख सकते हो 9:38, 9:43, 9:44 यहाँ पे जाके देख लेना। प्रीमियम इतना तेज़ी से, मतलब प्रीमियम इतना फास्ट मूव नहीं कर रहा था, बल्कि यहाँ पे मार्केट हाई पे हाई लगा रहा था या फिर अप जा रहा था, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम भी नहीं बढ़ रहा था। तो इसका अगर रीज़न है तो आप लोग यहाँ पे नीचे कमेंट करके मुझे बता देना। और चले देखते हैं हमारी पोजीशंस क्या है आज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 237 का यहाँ पे आज हमको प्रॉफिट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड में यहाँ पे 195 रुपीज़ प्रॉफिट था और सेकंड ट्रेड में ये पूरा ज़ीरो हो गया था, और थर्ड ट्रेड में यहाँ पे हमने फिर से रिकवर कर लिया। तो ये मतलब इस वीडियो में हमें ये समझ में आया कि एक बार अगर आप प्रॉफिट में आ गए तो ज़्यादा ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब एक बार आपको प्रॉफिट हो गया तो उसको डबल ट्रिपल करने की कोशिश मत करना या फिर उसको लॉस कर देने की कोशिश बिल्कुल भी मत कर देना। और अगर आपने आज क्या किया है, प्रॉफिट किया है या फिर लॉस किया है, वो भी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आप चैनल पे नए हैं और आपको ऐसे ही डेली नॉलेजेबल लाइव ट्रेडिंग की वीडियो चाहिए होगी तो कृपया करके नीचे यहाँ पे चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिए। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।